हेलो गाइस, आप सभी को आइसक्रीम तो बहुत ही पसंद होगी, इसीलिए हम लेकर आए हैं पांच ऐसे ही आइसक्रीम फैक्ट्स जो आपके दिमाग को पूरी तरह ठंडा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम को दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर हम इसके हिस्ट्री में देखें तो हमें ये नहीं पता कि इसे पहली बार किसने बनाया। बेसिक स्टोरी देखें तो हमें पता चलेगा कि रोमन एम्पायर का एम्परर नीरो स्नो के साथ फ्रूट्स और हनी खाना पसंद किया करता था। तो कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि मार्को पोलो यूरोप में पहली बार आइसक्रीम लेकर आया था। तो अगली बार जब आप अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम का मज़ा लेते रहेंगे तो पूछेगा क्या उन्हें पता है कि आइसक्रीम सबसे पहले किसने बनाई। और अगर आइसक्रीम की बात हो ही रही है तो हम उसके बेस्ट फ्रेंड को कैसे बोल सकते हैं, यह है आइसक्रीम कोन। और क्या आपको ये पता है कि आइसक्रीम कोन का इन्वेंशन एक एक्सीडेंट से हुआ। 1904 में एक आइसक्रीम वेंडर के पास आइसक्रीम बाउल्स ख़त्म हो गए, और क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा कस्टमर थे, और तभी उसने एक वेफल वेंडर की मदद ली और उन दोनों को आइडिया आया कि क्यों ना वेफल को कोन के शेप में फोल्ड करके उसमें आइसक्रीम सर्व किया जाए, और वैसे ही आइसक्रीम कोन का इन्वेंशन हुआ। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि आइसक्रीम कोन कहाँ से आया। आइसक्रीम की बात हो और हम फ्लेवर की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले कौन सा फ्लेवर आया, चॉकलेट या वैनिला? काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि वैनिला पहले आया, पर असल में चॉकलेट का इन्वेंशन पहले हुआ। और दोस्तों, कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अब चलते हैं हमारे चौथे फैक्ट की तरफ, और इसमें हम एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करेंगे जो टेस्ट में बिल्कुल ही आइसक्रीम के समान लगता है। ये एक हवाईयन फ्रूट है और इसका नाम है पैके, और इस फ्रूट का टेस्ट बिल्कुल ही वैनिला आइसक्रीम के समान लगता है। लोकल्स इसे आइसक्रीम बीन भी कहते हैं, और ये फ्रूट बहुत ही गर्म इलाके में उगता है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी आइसक्रीम नहीं मिल रही तो आप ये फ्रूट बिल्कुल ही खा सकते हैं, पर अफसोस इंडिया में ये नहीं उगता है। और आखिरी में दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन से कंट्री में खाई जाती है? और वो कंट्री है यूएस। यूएस में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है नॉर्वे का नंबर। तो दोस्तों, आज के आइसक्रीम फैक्ट्स में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लाते रहें तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।